हेलो एवरीवन, इजी वे में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे द केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के बारे में। ये नोटिफिकेशन आया है 31/10/2020 को और इसका जो लास्ट डेट है वो है 19/11/2020। तो आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप लोग चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आइए नीचे हम दिखाते हैं इसका, सबसे पहले हम फॉर्मेट दिखा देते हैं आप लोग को। ये इसका फॉर्मेट है, देख सकते हैं ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या करना है, इस तरीके से ये फॉर्मेट है। अगर आप जाएंगे साइबर कैफ़े तो इस तरह से फॉर्मेट निकाल के और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको डिटेल्स मांगा गया है वो सारी चीज़ें आप इसमें भर सकते हैं और इसको पोस्ट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे बताया गया है कि 19/11/2020 से पहले आपको ये पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे पोस्ट करने के लिए ये कुछ दिया हुआ है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इस वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बताएंगे हम कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट के थ्रू केरला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू ऑपरेट होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है चीज़ों को। और हम नीचे बात करेंगे इसमें पोस्ट के बारे में। तो ये जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी पोस्ट के लिए 34 पोस्ट है यहाँ पे। और इसके लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वो डिप्लोमा से केमिकल इंजीनियर किए होंगे 60% मार्क्स को लेके। ये तो डिप्लोमा वाले के लिए था। अब नीचे हम आएंगे 2 से लेके 5 यहाँ तक देख रहे हैं ये सारी पोस्ट जो है ये ITI स्टूडेंट के लिए है, जिसमें बताया गया है 2 पोस्ट है और इनको अप्लाई करने के लिए आपको ITI करना हो किया होना चाहिए बॉयलर अटेंडेंस से, एंड दूसरा है फीटर से। अगर आपने ये दोनों ट्रेड में ITI किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नीचे है वेल्डर ट्रेनी, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए। तो अगर आपने ITI वेल्डर से किया है तो ये आपके लिए है। नीचे है फीटर टेक्नीशियन के लिए, तो ITI फीटर ट्रेड होना चाहिए। और सबसे लास्ट में 2 सीट है, फीटर में 8 सीट है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और नीचे दिया हुआ है डिप्लोमा में आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और साथ में ITI भी आपने किया है मशीनिस्ट एंड टर्नर से, तो आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके लिए 2 सीट है, टोटल यहाँ पे 51 सीट है। और एज की बात करें तो एज आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल होना चाहिए। 26 साल के बाद आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें अगर आप लोग को रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और OBC के लिए तो आप इस बीच पर अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल दिया हुआ है। तो आप लोग जिन लोगों का एज इसके अकॉर्डिंग हो वो आप अप्लाई करेंगे। अब हम नीचे बात करते हैं पीरियड ट्रेनिंग, कितने साल का ट्रेनिंग होगा और इसका पे स्केल क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि अगर जब जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे 1 साल। वहाँ पे आपको स्टाइपेंड 10,000 दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब पीरियड आपकी ट्रेनिंग पीरियड जब ओवर हो जाती है तो पे स्केल को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे 21,580 है और मैक्सिमम आपको 55,730 तक जा सकती है। और बाकी की जो अदर अलाउंसेज होते हैं वो भी आपको दी जाएगी। नीचे आइए, अब हम नीचे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको अभी बता देते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी दिया हुआ है, जो एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को देना है। एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये है। यहाँ पे देखिए फॉर जनरल OBC कैंडिडेट, यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरल OBC कैंडिडेट होंगे उनको 300 रुपये फ़ी देना है, लेकिन SC ST वालों के लिए फ़ी नहीं देना है। और दूसरा एक और है, अगर आप लोग फॉर्म को पेमेंट करते हैं तो आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑनलाइन को ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ड्राफ्ट बनाना होगा केरला मटेरियल्स एंड मेटल लिमिटेड पेवल छावड़ा के नाम से।
और उसके बाद आप लोग फॉर्म को पेमेंट के साथ जमा करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट फी शॉल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपने फ़ी नहीं जमा किया है या डीडी नहीं बनाया है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। और बताया गया है कि आपको 9/11/2020 से पहले फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसका ये नंबर दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेज देना है, पोस्ट कर देना है। तो आप लोग देख लीजिए, जिनको ज़रूरत हो, जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।